सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 12 जमा 1। सो हाय गाइस, स्वागत है तुम लोगों का सर्वाइवल सीरीज भाग 13 में। वेल तुम लोगों को पता ही होगा आज मैं क्या करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड में एलाइट्रा भी तो लाया था। आगे की बात ऊपर चल के करते हैं। ओके सो आज मैं माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट ट्रेल्स एंड टेल्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। लाइक कुछ नए जानवर एंड बायोम्स आई है, इस बायोम को तो ढूंढ के रहूंगा आज। मेरे को ऑब्वियसली बहुत बड़े एडवेंचर पे जाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई लास्ट एपिसोड में एलाइट्रा लेके आया था मैं। सो आज इसी से वी ऐसे उड़ता हुआ एडवेंचर करूंगा। बहुत सारी चीजें मिलेगी आज, क्योंकि मैंने 1.19 भी कहाँ एक्सप्लोर करा था। इन्वेंटरी सेटअप करने चलते हैं, बस काम के सामान लेके जाऊंगा एडवेंचर पे। अरे वेट, एनविल से एक चीज याद आ गई मेरे को। तो लास्ट एपिसोड में मैंने सिल्क टच ली थी एंड वो शायद इसके अंदर रखी होगी। यस ये री, इसको मैं पिकेक्स के अंदर लगाऊंगा। ओके अबे सीधा 61 से 26। चलो इंजेंट तो हो गई है, चलो चले यहाँ से। ठीक है सो इतना सामान काफी है, बाकी गन पाउडर में एक और चाहिए होगा। वैसे गन पाउडर का तो पूरा फार्म बना रखा है मैंने, सो जितना गन पाउडर चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा। तो गन पाउडर फार्म का द्वार है यहाँ पे। ये फार्म तो वैसे बहुत अच्छे से काम करता है, इतनी तारीफ के बाद लेट्स सी कितना मिलता है। ओ चलो ठीक है, पटाखे तो इतने से बन ही जाएंगे। सो नाउ मेरे को चाहिए शायद पेपर। शुगर केन है मेरे पास बहुत सारा, भाई दो स्टैक भी पूरे नहीं हुए। मुझे लग रहा है एक बड़ा सा गन्ने का फार्म बनाना पड़ेगा, तो ये बना लिए मैंने इनके पेपर। तो तैयार है मेरे पटाखे, ये तो बहुत सारे बन गए। भाई मैंने सोचा था एक फार्म बनाऊंगा, वीडियो लंबी करूंगा, हेली विट उड़ने के लिए इतने पटाखे काफी है। सो या अभी मैं एडवेंचर करने के लिए पूरा रेडी हूँ, तो प्लान कुछ ऐसा है, कल सुबह जाऊंगा। ओके सो बस इतना सामान लेके जाऊंगा मैं, और बाकी जगह नए नए सामानों के लिए जिनको लेके आऊंगा। वेल अभी मेरे को थोड़ा सा खाना और चाहिए, और ये गए मेरे और ब्रेड। नाइस इतना खाना तो चाहिए ही होगा मुझे। ओके सो मैं पूरा रेडी हूँ। ओके सो मैं यहाँ से लॉन्च होऊंगा, बट जाना किस तरफ चाहिए मुझे? लाइक इधर तो मैं बहुत दूर तक जा चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइंड करने, मतलब नई वाली बायो में इधर जल्दी से नहीं मिलने वाली, और पीछे भी मैं बहुत दूर तक जा चुका हूँ। इधर पूरे में ओशन फैला हुआ है। अभी रह गई ये वाली डायरेक्शन, जिसमें मैंने मुश्किल से एडन नगर को रेंडर किया हुआ है, तो मेरे को इस तरफ जाना चाहिए। अबे नहीं एलाइट्रा तो पहना नहीं मैंने। ठीक है सो इस बार लॉन्च होऊंगा सक्सेसफुली, सो लेट्स गो। भाई साहब एलाइट्रा कितना फास्ट है, वरना इतनी दूर हॉर्स से तो आ भी नहीं पाता मैं। अबे ओशन है, इधर जाना पड़ेगा। अब यहाँ उड़ते उड़ते रात हो चुकी है, अभी तक कुछ अच्छा था तो दिखा नहीं मुझे यहाँ पे। वेट ए सेकेंड, रुइंड पोर्टल है, चलो यहीं पे रुक जाता हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा अभी। यहाँ पे कुछ है क्या? अरे यार इतनी बेकार लूट के लिए रुका था क्या मैं? इससे अच्छी लूट तो मैं अपने घर पे चेस्ट में छोड़ के आ गया। मुझे शायद कहीं पे रुक के सोना पड़ेगा। हैं? ओ अरे नई वाली बायो मिल गई, मेरे घर से इतनी ज्यादा दूर स्पॉन हुई है ये, कितनी ज्यादा बड़ी है ये। पहले कहीं पे उतर के दिन करना चाहिए मुझे, नीचे रात के प्राणी घूम रहे हैं। वेल मेरे हिसाब से इन लोगों को होस्टाइल मॉब्स नहीं डालनी चाहिए थे इस बायो में, इतनी अच्छी बायो में भाई पूरा लुक खराब कर दिया इसका। ओके सो दिन हो चुका है, लेट्स सी क्या क्या मस्त चीजें हैं यहाँ पे, लेट्स गो नीचे। अबे ओए कितने सारे हैं यहाँ पे, चल हट। वेल गाइस क्या तुम लोग एक ऐसे एप्लीकेशन की तलाश में हो जहाँ विदाउट एनी रिस्क प्रेडिक्शन करके अर्न कर सकते हो? वेल यस, इस एप्लीकेशन का नाम है वन एक्सपर्ट। तो वन एक्सपर्ट एक रिलायबल एप्लीकेशन है जहाँ तुम लोग क्रिकेट पोकर जैसे 100+ मैचेस और 300+ गेम्स को खेल के अर्न कर सकते हो। तो वेट किसका कर रहे हो, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करो और मेरा प्रोमो कोड EDEN130 यूज करोगे तो फर्स्ट डिपॉजिट पे 26,000 INR तक बोनस मिलेगा। वेल यहाँ डिपॉजिट करना बहुत आसान है, जैसे पेटीएम, फोन पे, जीपे एटसेट्रा से डिपॉजिट कर सकते हो। सो यस जाओ रजिस्टर करो, लिंक पिंट कमेंट पे मिल जाएगी। ओ भाई सीरियसली बायोम बहुत अच्छी लग रही है, बस यहाँ का लुक ना, ये बदसूरत प्राणी बिगाड़ रहे हैं। ये देखो कितनी शांति मिल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सिर्फ मान लो, ऐसे मानने का कुछ नहीं जाता वैसे। ये देखो क्रीपर ने यहाँ की जगह खराब कर दी है, और ये नीचे वाले फूल का क्या नाम है, ये पिंक पेटल। अबे है क्रीपर था क्या? बाय द वे ये पिंक पेटल मिले मेरे को, अच्छा तो इनको ऐसे ग्राउंड पे लगाते हैं। ओ ये तो बड़ी मस्त चीज है, ये तो मैं बहुत सारे लेके जाऊंगा। ओके देखो कितने ले लिए मैंने, अपने एडन नगर में यही वाली छोटी सी बायोम बनाऊंगा। इन पेड़ की लकड़ी भी पिंक है, चलो इनको भी ले लेता हूँ। वाह इनको तोड़ने में क्या आवाज आ रही है भाई, चलो अभी सैंपल गिरेंगे, मेरे को इनके सैंपल भी चाहिए होंगे, वरना उगेंगे कैसे ये एडन नगर में। इस बायोम में ना देखो पानी का कलर भी थोड़ा सा अलग है, और ग्रास का कलर भी अच्छा ही लग रहा है। ओ सी यहाँ पे चेरी वाला सैपलिंग गिरा है, यही तो चाहिए मेरे को बहुत सारे। अबे यहाँ पे रैंडम शीप स्पॉन हो रही है क्या? सिर्फ पिंक कलर की स्पॉन होनी चाहिए थी ना यहाँ पे, टिप्पणी करके बताओ अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो। इस बायोम के अंदर हनी भी कितने ज्यादा है भाई, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, आ जाओ मेरे पीछे। है ये भी लालची निकले। टॉप एक फैक्ट अबाउट निम्नलिखित बायोम, नंबर 1 यहाँ के पेड़ पिंक है। चलो मैं इन बेजुबानों को परेशान नहीं करूंगा, सबको खाना मिलेगा, मैं तो ऐसा ही हूँ गाइस बहुत अच्छे दिल का। है
जाओ भागो, मैं नहीं दे रहा अब। अरे चले जाओ ना, ऑटोग्राफ लेके मानोगे? ओके देन, ये ले ऑटोग्राफ। दूसरी बायोम्स के मुकाबले यहाँ हनी बीज को खाने पीने को अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। बाय द वे, अभी हो गई है मेरे पास स्टोरेज की कमी, मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर, शल्कर बॉक्स लेके आऊंगा। सो लेट्स गो वापस, रास्ता तो मेरे को याद ही है पूरा। शायद मैं एडन नगर के ऑर्बिट में, या आ गया एडन नगर में, पता नहीं पहले मैं शल्कर बॉक्स ले जाना कैसे भूल गया था। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैं एंड सिटी में से लाया था शायद शल्कर सेल, या चार हैं। ओके नाउ बीच में जाएंगे मेरी दो चेस्ट, तैयार है शल्कर बॉक्स। ठीक है, सो मैं अपना आधा सामान इसके अंदर भर देता हूँ, अभी ठीक है, जगह की कमी नहीं पड़ेगी। ऑल राइट सो लेट्स गो वापस। हेलो आई एम बैक, अब अच्छे से लूटूंगा इन सामानों को, सेफली लैंडिंग। सबसे पहले चेरी वाले लॉग इकट्ठे करूंगा, इनको तो तोड़ने में भी, वाह क्या साउंड है। यार इतनी अच्छी बायोम के पेड़ काट के अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे तो फिर से उग जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है सो इन सबको मैं अपने शेल्टर बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। अभी इन सबके अलावा इस बायोम में और क्या ही मिलेगा, और कुछ देखने लायक बचा है क्या यहाँ पे। सो लेट्स गो यहाँ से। तो चेरी ग्रोव बायोम को मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अभी बाकी नए मेहमानों को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो ये ऐसी जगह है, ये घाटी तो बढ़िया है घर बनाने के लिए। बाय द वे इसके अलावा माइनक्राफ्ट में एक नया टूल आया है, झाड़ू बोल सकते हो तुम लोग उसको, एंड रेसिपी कुछ ऐसी है। अरे वेट, फेदर तो नीचे घूम रहा है, देखो ये रहा नीचे फेदर, ये लो। ऑल राइट चार मिल गए, और कॉपर तो मेरे को केव में से मिल जाएगा। अरे कॉपर तो दिख ही नहीं रहा, वेट ये रहा, तो मुझे कॉपर इंगोट चाहिए होंगे। कोबल स्टोन लेने के लिए तो इसी का यूज करना पड़ेगा, सिल्क टच बेकार है भाई। ये क्या मेरा फर्नेस, कोल कहाँ पे मेरा, ऑल राइट जाओ पको, रेडी है मेरा कॉपर इंगोट। तो बीच में जाएगा ये, नीचे स्टिक, ऊपर पंख, हियर वी गो, ब्रश इज हियर। ये ब्रश कम झाड़ू ज्यादा लग रही है, अभी हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर झाड़ू मार सकते हैं और सफाई कर सकते हैं। भाई धूल भी उड़ रही है देखो, बाय द वे इसको सस वाली ग्रेवल एंड सैंड के ऊपर चलाना होता है, देन शायद बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, स्निफर का एक वगैरह भी मिलता है उसमें से। ऐसे उड़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सामने एक और रोइन पोर्टल है, मुझे इसको भी चेक करना चाहिए, कुछ अच्छा सा दे दो वरना। अरे यार नहीं चाहिए कुछ, ऐसे रूइन पोर्टल मिलेंगे तो आगे से रुकूंगा नहीं। एक विलेज मिला है मेरे को, ब्लैक स्मिथ को चेक करूंगा, लेट्स सी ये ब्लैक स्मिथ कितना कमाता है। ओ डायमंड है, कोई रोकेगा नहीं मुझे, डायमंड टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। और रॉकेट वगैरह बनाने के लिए शुगर केन ले लेता हूँ, थोड़ा इस साइड भी है, तो ये बना लिए मैंने। पेपर गन पाउडर शायद इसके अंदर है, यस ये रहा, थोड़े से और रॉकेट बन गए मेरे, चलो अच्छा है जल्दी से खत्म नहीं होंगे। सो लेट्स गो यहाँ से। ओ शिपरेक मिली है, इसके अंदर भी कुछ नए सामान होते हैं ना, लेट्स सी यहाँ पे चेस्ट, कुछ खास सामान तो यहाँ पे भी नहीं है। और इस वाले चेस्ट में ओ पूरी ट्रेजर मैप है, ये शायद मेरे काम आ सकता है, एंड सी ये ज्यादा दूर भी नहीं है, तो ये शायद इस तरफ है, यस इसके अकॉर्डिंग मेरे जस्ट आगे है। ओके तो ये है वो जगह, चलो फिर यहाँ पे करते हैं माइनिंग। अबे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो पूरा एरिया बर्बाद कर दूंगा मैं, यहाँ पे है भी बस मेरे को ट्रोल। ओ आई गॉट इट, इसके अंदर तो अच्छी खासी लूट है, नाइस नाइस, भरो सारा सामान अपने शल्कर में, अभी चलते हैं यहाँ से। ये एंटरमैन यहाँ पे क्या कर रहा है, हेलो दोस्त खाना खा लिया? अबे ओके गुड मॉर्निंग, चलो यहाँ से। ओ ये तो ओशियन रूइन है ना, इसी के अंदर सैंड और ग्रेवल मिलती है सस्पिशियस वाली। ओ कितने सारे हैं, राउंड वन फाइट, सारे खत्म कर दिए। अबे ये क्या हो गया है, यहाँ पे सस्पिशियस सैंड तो नहीं मिलेगी बट वो वाली ग्रेवल मिल सकती है, नाइस कितनी सस्ती लूट है। पहले यहाँ पे सस्पिशियस ग्रेवल भी नहीं है, अरे सामने जंगल बायोम है, एंड यहाँ पे बैम्बू भी है, बैम्बू से एक बैम्बू वाला ब्लॉक बनता है ना। ओके सो ये वाला बनता है, चलो ये ब्लॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सो मैं बहुत सारे बना के ले जाऊंगा, तो लेट्स गो यहाँ से भी। वेट ये सामने डेजर्ट बायोम है क्या? ओ अरे भाई डेजर्ट बायोम मिल गई है, नाइस एक विलेज भी मिल गया। अरे अरे कैमल है यहाँ पे, तो ये है न्यू प्राणी जिसको ऐड किया गया है, मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ बट सैडल नहीं है मेरे पास अभी, भले ही मैं इसके ऊपर घूम नहीं सकता बट या कैमल को फाइंड कर लिया मैंने। लोल मैं इसको आराम भी नहीं करने दूंगा, बैठ गया इसके ऊपर, चलो इस बेचारे के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ मैं, ये वीट तो खाता ही होगा। भाई कहाँ जा रहा है, रुक वीट लाया हूँ भाई खा ले। अबे ये वीट नहीं खाता क्या? अबे यार कुछ तो खा ले। हैं ये बैल के ऊपर कैसे बैठ गया? वेट अगर मैं इसको तोड़ दूं देन, हैं मुझे लगा ये हवा में उड़ेगा। चलो चलते हैं यहाँ से, वैसे भी सैडल तो है नहीं मेरे पास। ओ डेजर्ट टेम्पल है यहाँ पे, सस्पिशियस वाली सैंड यहाँ पे भी तो मिलती है, तो सबसे पहले इसको तोड़ो, यहाँ पे तो सैंड नहीं दिख रही मुझे। इन चेस्ट के अंदर कुछ, अरे सैडल, ओ इसमें क्या है, अरे वाह गोल्डन एप्पल, डेजर्ट टेम्पल में सही सामान। अरे ये तो नई वस्तु है और मेंडिंग भी मिली है, इसे कहते हैं भाई लूट। वेल अभी मैं एक एनवेल बनाऊंगा, मुझे अपने लाइटर में मेंडिंग लगानी है। नाउ लेट्स गो यहाँ से। वेल अभी मैं एक कैमल को राइड कर सकता हूँ। ओ ये भी 1.19 की स्वैम बायोम है ना, वैसे घूमा तो मैं इसमें भी नहीं हूँ, पहले एक बार दिन कर देता हूँ। इस बायोम में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, ऊपर से डरावनी हो रही है। और ये है स्किमर्ड,
नाइस, प्लेस करने में तो अच्छी आवाज आ रही है। अबे ये क्या है इतना गोल? वेट अ सेकेंड, तो ये आसमान से देखने में गोल प्रतीत होता है। ओ डेजर्ट विलेज मिल गया एंड कैमल भी है यहाँ पे, लेट्स गो। इस बार लाऊं भाई मैं सैडल, इसको चलाने में तो बड़े मजे आ रहे हैं। अभी डेजर्ट में मैं इसके ऊपर घूमूंगा। अबे इसके साथ मेरे को भी मिल रही है फॉल डैमेज। ओ सामने एक और डेजर्ट विलेज है, ये लो आ गया मैं इस वाले विलेज में भी। अभी मैं इसके साथ ऐसे ही घूमूंगा, लेट्स गो। वेट, अगर मैं कैमल के ऊपर बैठ के गोलम को मारूं देन शायद ये मुझे नहीं मार पाएगा। अरे नहीं मार पा रहा है ये। ओ अबे बड़ा खतरनाक प्राणी है ये तो वार्डन से बचा लेता है देन गोलम। अरे आगे एक और डेजर्ट टेम्पल है, लेट्स गो, लेट्स सी क्या मिलता है इसके अंदर। कहाँ जा रहा है? बैठ यहीं पे, इसकी चेस्ट में देखते हैं। ओ गोल्डन एप्पल, वो भी इंचेंटेड। भाई साहब अच्छी खासी लूट मिल रही है आज मेरे को। यहाँ पे एक और है, इन्फिनिटी मिली है, नाइस। और इसके अंदर क्या है? स्वीपिंग एज 2, नाइस। बट सस्पिशियस सैंड तो यहाँ भी नहीं है ना। हैं कितनी दूर चला गया ये? अरे भाई तुझे जाना है, जा सैडल तो देता जा, मेरा लेके भाग रहा था। सो लेट्स गो, यहाँ से भी सस्पिशियस सैंड यहीं पे मिलती है ना शायद, अभी तक तो नहीं दिख रही मुझे। अरे यही तो है सस्पिशियस सैंड। चलो इसके ऊपर चलाते हैं अपनी झाड़ू एंड सी पे। ओ डायमंड निकल रहा है इसके अंदर से, नाइस। लेट्स गो, एक डायमंड मिल गया। एंड ये इसके अंदर से क्या निकल रहा है? अरे ये तो 1.20 का सामान है। ओ एडवांसमेंट मिल गई, तो ये है प्राइस वाली पोटरी, ऐसे कई टाइप की होती है। इसके अंदर ये गन पाउडर है क्या? बेकार है। इसके अंदर से एमरल्ड निकल रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके पहले सो जाता हूँ यहाँ पे कहीं पे। हाँ बे ये कैसी जगह आ गया? ओ वेट अ सेकेंड, ये तो शायद ट्रेल्स रूइन है। जंगल बायोम में भी स्पॉन होते हैं क्या ये? तो दिन हो चुका है, नाइस। ओ बे यार इतना तगड़ा धमाका, तो ये है ट्रेल्स रूइन। मैंने सुना है यहाँ पे सस्पिशियस ग्रेवल मिलती है। अबे अभी एक आई थी शायद, ये शायद ओरेंज डाई निकल रहा है। ब्लॉक्स तो बड़े मस्त मस्त लगा रखे हैं भाई, सस्पिशियस सैंड दे दो ना। ओके इसके अंदर से भी पोटरी निकल रही है, और ये क्या है? अच्छा ग्रीन कैंडल है। वेल चलो यहाँ से, कुछ खास नहीं मिल रहा। ओ डेजर्ट वेल है मेरे नीचे, सस्पिशियस सैंड भी मिल गई, बट इसके अंदर से पोटरी निकल रही है। भाई हर एक डेजर्ट वेल के नीचे पोटरी क्यों मिल रही है? ओ भागो यहाँ से, एग्जैक्ट टाइम पे उड़ गया। ये वार्म ओशन रूइन में शायद कुछ मिल सकता है, यस यहाँ पे है। एंड सस्पिशियस सैंड भी है, नाइस। इसकी सफाई करके देखते हैं। अबे यार कुछ खास नहीं मिल रहा। ओ अरे स्निफर है गए, वेट मेरी इन्वेंटरी फुल है अभी, क्या फेंकू? तू निकल। ओके फाइनली अभी मैं घर वापसी कर सकता हूँ, जितना मानना है उतनी देर बाद। ओके सी एडन नगर दिख रहा है, लेट्स गो। तो सबसे पहले ये सारा सामान रखने जाऊंगा ऊपर। आई एम बैक एंड सी कितनी सारी पोटरी लेके आ गया मैं, कितने सारे टाइप्स की होती है ये। तो अभी अपने आर्मर में मैं स्मिथिंग टेम्पलेट लगाऊंगा, तो पहले बनेगा मेरा एक स्मिथिंग टेबल, ये रख दिया। एंड सी ये नया टेम्पलेट का सेक्शन आया है। वेट मेरे पास डायमंड है ना, या यहाँ पे 6 रखे हैं, तो क्या यहाँ पे डायमंड रख के यहाँ पे ये और ऐसे। ओ कितना ओपी लग रहा है ये आर्मर अभी। एडवांसमेंट भी मिल गई है, नो पैंट की बारी। एंड ये लो पूरा आर्मर ट्रिम कर दिया मैंने, हेलमेट तो खत्म हो गया था मेरा। वेल अभी के लिए कुछ तो पहनना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे तो बहुत सारे डायमंड रखे हैं वैसे, या एक हेलमेट भी है, तो अभी के लिए तो मैं यही पहन रहा हूँ। भाई मेरा आर्मर किसी सुपर हीरो सूट की तरह लग रहा है। मेरे को ना मॉस ब्लॉक भी चाहिए, स्निफर एग भी तो उगाना है। और ये लो लगा दिया स्निफर एग, इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं मिली मुझे। बाय द वे इस झाड़ू से पहले अपने यहाँ की सफाई कर देता हूँ, गंदा हो गया होगा ना। वेल आज की वीडियो में इतना ही, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।